गुड मॉर्निंग आराम, जय श्री राम। और फिर से स्वागत है मलिक फैमिली ब्लॉग में। और आज है शनिवार का दिन। शनिवार का मतलब है कि या तो छुट्टी या फिर वर्क फ्रॉम होम। तो आज मेरा है वर्क फ्रॉम होम। मैं घर से ही काम कर रहा हूँ और नहा धो चुका हूँ, नाश्ता करने के लिए बैठ रहा हूँ। और काजोल ने आज नाश्ते में बना दिया पराठा और साथ में ये शिमला मिर्च की सब्जी और पनीर की सब्जी और साथ में चाय। तो ये है आज का मेरा नाश्ता। और थोड़ा सा टाइम हो गया है 12:15 का, हालांकि मैं ऑफिस स्टार्ट कर चुका हूँ तो नाश्ता हो गया है लेट। नाश्ता लेट होने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा काम भी थे बीच में, तो चल रहे थे वो, और बस वो काम करते 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 ये हो गया है। और इसलिए अब मैं कर रहा हूँ नाश्ता। नाश्ते के बाद मुझे फिर से ऑफिस के लिए बैठना है, क्योंकि कॉल्स वगैरह हैं आज थोड़ी सी ज़्यादा, कोई बात नहीं, और मेल्स भी हैं उन्हें भी करना। खैर हो जाएंगे सब काम, लेकिन लगना पड़ेगा काम करके फिर स्टार्ट कर, नाश्ता करके फिर स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हम लोग हो गए हैं कहीं जाने के लिए रेडी। कहीं बोले तो हम लोग जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में काजोल की जो फ्रेंड है उनके यहाँ जा रहे हैं हम लोग, और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद उनके यहाँ जाना हुआ है। पहले भी हम जब गए थे तब भी हमने आपको बताया था और आज फिर हम लोग जा रहे हैं। और मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत जरूरत बची है। वो ऐसा कुछ होता है अर्जेंट तो मैं रिश्ते में कर लूँगा, अदरवाइज फिर निकल जाएंगे। और हम सब लोग रेडी हैं, सिर्फ हमारी छोटी गुड़िया रेडी नहीं है। हाँ भाई हो गई रेडी है। ये देखो, ये इसके देखो, ये नक्शे, दोनों बहन भैया, तुम ही दोनों लेट करते हो सबसे ज्यादा। मैं तो हो गया था तैयार। इधर देख, हाँ ये इतनी हमारी इतनी कमजोर सी हो रही है कि ये बेचारे कभी कपड़े में सेट नहीं आते इसके। है भाई, है गुड्डा, कपड़े सेट नहीं आते, कमजोर हो रही है। अरे इसमें ऐसी लगे कि जैसे कितनी बड़ी सी हो रही हो। देखो देखो, कपड़े दिखा, रुक जा, ये शान छोड़े छोड़े छोड़े, देखो देखो ऐसे लगे, ये देख कंधों से उतर रहे। हां कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। मैं भी रेडी हो गई, यहाँ से आगे से दिखाओ, आगे से मैं भी रेडी हूँ। पता नहीं मैं किस लिए चलो भाई निशो, चलते हुए काम निपट नहीं रहे तुम्हारे, इसके काम नहीं निपटेगा मेरे साथ। आजा इधर, चले घूमी करने, घूमी करने चलेगा, हाँ घूमी करेगा, चलो देखो ये इन्हें पूरे घर की इंस्पेक्शन कर लिया। अब ऊपर देखा जा रहा है फैन, ये दादी अम्मा बैठी है, देखो कितने आराम से बैठी है। मट्टो इधर देखो, इधर इधर देखो गुड्डा, ए शोना कैसे बैठा है, कैसे बैठा है भाई, क्या करके देख रहा है, देख तो रही हूँ इतना ही देखूंगी बस मैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, बहुत देर हो गई हमें पहुँचे हुए, और सब लोग आ गए। भाई साहब गए हुए थे ऑफिस और वो ऑफिस से आ गए घर, और रात हो चुकी है 9:15 बज गया है। और आज खाना हमारा है यहीं पे। और ये हाँ जी, कैसे परेशान थे, कैसे चोर भोर सी हो रही हो तुम, क्या बना लिया? ओ हो, कढ़ी कढ़ी चावल और रोटी, बेहतरीन शानदार, मजा आ गया भाई। मेरी सहेली ना मेरी फेवरेट बनाई है। नहीं नहीं ये मेरे लिए बनी है, ये मेरे लिए पकौड़ी वाली, ये मेरे लिए है। पकौड़ी नहीं खाते क्या? क्योंकि पकौड़ी वाली कढ़ी मैं खाता हूँ। ठीक है सही, साहब को पकौड़ी, ये भी तो है, ये भी तो है, सही है ठीक है ना, तो कढ़ी है तो पकौड़ी की होनी चाहिए ना। हाँ खाओ पकौड़ी, देखो जो ने भर भर के डाल दिया पकौड़ी, खाओ तुम। और हमारी छोटी गुड़िया है, सो रही है, वो सो गई थी 8 बजे, अब तो उसका उठने का टाइम भी हो गया है। वो भी सब उठा दो, जब वो भी खाना खा लेगी। हाजी साहब राम राम सारे ने, तो जी खाना लग चुका है और अब खा लेते हैं खाना। और ये अनियन काटी है शरद ने, शरद ने काटी थी ना, मैं देख रहा था वो काट रहा था वो।
गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। और फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मलिक फैमिली व्लॉग में। जैसे कि आपने देखा था कि कल हम लोग गए थे काजोल की फ्रेंड के यहाँ, और वहाँ से आने में बज गया हमको रात को लेट, लगभग 11:30 बज गए थे। और बस वहीं पे खाना वाना खाया था, तो खाना खा के लेट हो गया था निकलने में। 1.5 घंटे गर्म भी है वहाँ से यहाँ तक का, तो 11:30 के लिए हम लोग घर पहुँचे थे। उसके बाद फिर सुबह छुट्टी थी, आज संडे था, तो आराम से उठे और काजोल ने अपने काफ़ी सारे काम निपटा दिए हैं। हालांकि अभी 10 ही बजे हैं, फिर भी काजोल काफ़ी काम निपटा चुकी हैं, जैसे कि कपड़े धोने का, उन्हें सुखाने का, और अब वो नाश्ते में लगी हुई हैं। इधर हमारे भाई साहब हैं, ये उठने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, कौन उठ रहे भाई साहब? उठ जाओ, चलो चलो नहा लो, बहुत लेट हो गया। और देखते हैं काजोल क्या बना रही है आज। क्या बना लिया बेटो? ओके, आलू है और ये है नमकीन जवे। रोस्टेड रखे हुए हैं वो घर से है, मम्मी ने लिए थे। हाँ तो रोस्टेड है वो, पूछो ना। और रात हम सोए 3 बजे। हाँ, सोने में लेट हो गया था। ये तो आके अपनी उसमें लग गए सीरीज में। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मिर्जापुर शुरू करूंगा, और अभी तक नहीं देखी मैंने। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कल छुट्टी है, आराम से उठूंगा, और इसलिए मैंने रात 11:30 बजे में मिर्जापुर चला दी, और मैं सुबह सोया 3 बजे। तो उस हिसाब से मैं टाइम से उठ गया है अभी। और मैं देख रही थी बिग बॉस, मैं उस चक्कर में लेट सोई। संडे का पूरा फायदा उठाया, पर फायदा हमारी गुड़िया ने उठान तो नहीं दिया। वो उसका रूटीन है सुबह उठने का और सुबह उठ के यहाँ पे आने का, वो अपने रूटीन को पाबंद है बिल्कुल। वो फिर परेशान हो जाती है। हाँ, अगर उसका रूटीन नहीं उस तरह का रखो तो फिर पूरा दिन क्रैंकी रहती है। निशु का फोन है, दीदी उठ गई या मैं बस, तू तो सो रही है, चल सो जा। मैंने कहा कुछ नहीं सो रही, मैं लिया तू इसे, हम तो दिन में सो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो वैसे 6 घंटे की नींद तो हमने ले ली थी। हाँ, छह से कम 8 बजे उठ गए थे। आठ बजे उठ गए थे हम वैसे, तो 3 से 5 घंटे। चलो कोई नहीं, काफी है नींद, आज रात को सो जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। आज भी कहाँ सो जाओगे, आज शादी में जाना। हाँ, आज दिन में आज तो हमें शादी में जाना है। काजोल की कजन है, उनकी शादी है आज नोएडा में, तो आज हमको वहाँ जाना है शाम को। चलो ठीक है, आज भी लेट हो जाएगा रात को। और ये कल यशवंत का जाना जरूरी है स्कूल, उनका टूर्नामेंट है। अब पता नहीं आज आने के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, कल स्कूल जाना है, हालांकि उसके स्कूल में टूर्नामेंट चल रहा है और इसने भी पार्टिसिपेट किया था, अनफॉर्चुनेटली इसकी टीम हार गई। कोई बात नहीं है, ये तो चलते रहता है। तो अभी चल रहा है भी, क्योंकि इसने भी अभी स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा एक्सपर्ट अभी है नहीं है, तो हो जाएगा धीरे धीरे अभी तो। और कल मट्टों की पहली ट्रिप थी इस तरह की। हाँ, मतलब कहीं इस तरह से फ्रेंड्स के घर जाना। अभी तक तो वही था कि अपने कंफर्ट जोन में थी, ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, सदल्लापुर चली गई है, यहाँ आ गई, या फिर चाचा जी के यहाँ गई थी। तो कल हमें लग रहा था कि थोड़ा सा परेशान करेगी, जब हम गए जब तो इसने बनाया था मुंह से सबको देख के होठ से निकाले थे, बट फिर जब इसे हम लोग दिखे अपने पास ही बैठे थे, तो ये फिर नॉर्मल हो गई, फिर इसने खूब एंजॉय करा, फिर तो ये ऐसी सोई। आज इसकी पहली पार्टी है। हाँ, आज इसकी पहली पार्टी है, और फिर तो ये ऐसी सोई श्रुति के पास 2 घंटे में उठी है जाके।